अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो हम करने लगे हैं वो आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स हैं फिज़िक्स के। तो इसकी जो जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कंडीशन और इक्वेशंस थी वो सब मैंने एक जगह लिख दी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन न्यूमेरिकल्स में जो जो भी टर्म्स, इक्वेशन एंड कंडीशंस यूज़ होंगी वो मैंने एक जगह लिखी हैं, तो मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले इन न्यूमेरिकल्स में आपको एक मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी, एक टर्म होगी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे वी आई से, और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और एम एस माइनस वन, यानी अगर ये स्लैश हट जाए तो एस के साथ कोई भी पावर नहीं है तो वन है, ये अपॉन में है, एम अपॉन एस, जब अपॉन हटा एस ऊपर गया तो उसकी पावर भी ऊपर जाके किसकी हो गई, माइनस की। इसी तरह फिर एक आपको मिलेगा फाइनल वेलोसिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे वी एफ से, और उसका यूनिट भी सेम रहेगा क्योंकि ये भी वेलोसिटी है। तीसरी चीज़ आपको मिलेगी एस्केलेरेशन, जिसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर ये आप अपॉन नहीं लगाना चाहें तो ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। इसके बाद आपको एक मिलेगा डिस्टेंस, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एस से और उसका यूनिट होगा मीटर। आपको इस दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन में ये यूनिट लिखा हुआ है या ये या इस तरह, मतलब अगर अपॉन नहीं है तो पावर माइनस में हो सकती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग यूनिट से पहचान लेंगे कि मीटर पर सेकंड है या एम एस माइनस वन लिखा है, तो वो आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस हम सवाल में देखते हुए करेंगे कि किस तरह होगा, लेकिन वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस है तो मीटर है, एस्केलेरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर अपॉन नहीं है तो फिर एम एस माइनस टू। फिर जो तीन इक्वेशंस यूज़ होंगी, जो कि फिज़िक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती हैं, तीन इक्वेशन है जो कि ज़्यादातर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। ये तीन इक्वेशंस आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। सबसे पहली इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड है एस इजिकल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है टू ए एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फिर दो कंडीशन है इस न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल में ये लाइन लिखी हुई आती है, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या फिर ये दूसरी लाइन यूनिफॉर्म एस्केलेरेशन, तो इन दोनों कंडीशन में आपकी वी आई ज़ीरो हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन आपके लिए है, अगर आपके पास ये लाइन लिखी हुई आती है ब्राउ टू रेस्ट या फिर इट स्टॉप, तो इन दोनों कंडीशन में आपका वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सॉल्यूशन में आप वी एफ को ज़ीरो लेकर जाएंगे। अभी क्यों और किस तरह, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन करती हूँ। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। जैसे जैसे हम आगे न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, सब कुछ आपके माइंड में खुद ब खुद बैठ जाएगा, और इसकी वजह से आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी होगी। चाहे पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल आया, आप उससे अटैम्प्ट कर पाएंगे इस चैप्टर का। चलें स्टार्ट करते हैं। आपका या आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 57 पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, इसका पार्ट ए है। अ बस इज़ मूविंग ऑन द रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट एस्केलेरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस आफ्टर 6 सेकेंड। यानी एक बस जो कि एक रोड पे मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, एंड इट एस्केलेरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर वो एस्केलेरेट हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। आपसे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं आप फाइनल वेलोसिटी मालूम करें बस की आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का वही क्वेश्चन मैंने अपने पास उतारा हुआ है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स को करना किस तरह शुरू करें, बस आप पढ़ते हुए डायरेक्टली डेटा बनाते रहें। डेटा आप किस तरह बनाएंगे, जो जो आपको गिवन है वो, और जो आपको मालूम करना है वो लिखते रहें साथ साथ। अब बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, या फिर मैंने आपको बताया था एम एस माइनस वन लिखा हो, ठीक है। आप अगर देखें इसमें वेलोसिटी का वर्ड नहीं भी यूज़ है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पहचानने में, तो आप यूनिट से पहचान लें। हम अपने पीछे देख कर आएँ कि मीटर पर सेकेंड या फिर एम एस माइनस वन किसके साथ होता है, वेलोसिटी के साथ। अब ये इनिशियल है या फाइनल है, ये आप कैसे पहचानेंगे। जो भी आपकी स्टार्ट की वेलोसिटी होगी उसे हम नाम देंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जो बाद की वेलोसिटी होगी उसे नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये यूनिट आप जब न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इधर बोल रहा है, इधर बोला जा रहा है आपसे, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड, एक बस रोड पर मूव कर रही है इस वेलोसिटी के साथ। तो यकीनन ये कौन सी वेलोसिटी हुई हमारी, इनिशियल वेलोसिटी।
यानी स्टार्ट की वेलोसिटी, किसी भी बस की या किसी भी कोई सी भी वो गाड़ी या कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल करें, आपको इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि ये वेलोसिटी है, अब ये आप पहचानेंगे कि वो इनिशियल है या फाइनल है। आगे वो आपसे बोल रहे हैं एंड इट एस्केलेरेट एट 5 ms-2। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर ms-2 लिखा हुआ है तो वो चीज़ आपके लिए क्या है, एस्केलेरेशन। और एस्केलेरेशन को आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल a से। आपने लिख दिया एस्केलेरेशन आपके पास है मीटर, 5 ms/s स्क्वायर या स्लैश नहीं है तो पावर माइनस में, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यानी इस लाइन में आपसे वो कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी मालूम करें, तो आपने फाइनल वेलोसिटी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा, मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप पूरा पूरा लिखें, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ, एस्केलेरेशन इज इक्वल टू ए, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई। एग्जाम में अगर आप पूरा पूरा लिखें तो बहुत अच्छा है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ इसको किससे रिप्रेजेंट करना है वो लिख दिया, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस आफ्टर 6 seconds। तो देखें सेकंड है तो हम पहचाने ये क्या चीज़ है, टाइम, और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम सॉरी मैं इधर मेंशन करना भूल गई हूँ, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, और टाइम हमेशा आपके पास किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में। अगर आपके पास मिनट्स या आवर्स में टाइम है तो आप उसको चेंज करके सेकंड में लाएंगे। जब इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी सेकंड में मौजूद है तो हमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना है, हमने लिख दिया स्मॉल टी इज इक्वल टू 6 seconds। इस स्टेप पर आके आपका डेटा बन गया। इस स्टेप पर आने के बाद जब आपने डेटा बना लिया, इस स्टेप पे आने के बाद जब आप डेटा बना लें, ठीक है, इस चैप्टर के जिस भी न्यूमेरिकल्स का आप कर रहे हैं सवाल, डेटा बनाने के बाद आप अपने माइंड में फ़ौरन अपनी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों लिए हैं कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है इन तीनों में से जो आपको अपने इस क्वेश्चन में लगती हुई नज़र आ रही है। तो अब आप ये किस तरह पहचानेंगे, देखें आपको जो जो गिवन है और जो जो मालूम करना है, वी आई आपको गिवन है, ए गिवन है, वी एफ आपको मालूम करना है और टी गिवन है। अब इन तीनों इक्वेशन में से कौन सी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये सब टर्म्स मौजूद हैं, देखें सेकेंड या थर्ड या फर्स्ट। अब सेकेंड और थर्ड क्यों नहीं है, देखें इसमें एस मौजूद है, डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते होते हैं, इसमें भी एस मौजूद है, जबकि हमें इस वाले क्वेश्चन में एस का कोई काम नहीं है, ना तो हमसे एस पूछा है और ना ही हमें एस गिवन है। तो हम अपनी प्रेफर कौन सी इक्वेशन करेंगे, फर्स्ट वाली। अब आप चाहें तो सॉल्यूशन लिख दें या फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, अपनी इक्वेशन उतार लें, ये सब इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब इसमें से मुझे मालूम क्या करना है, वी एफ ही मालूम करना है, तो बस मैं डायरेक्टली अपनी वैल्यू पुट करूँगी, वी एफ इजिकल टू वी आई की वैल्यू मेरे पास कितने मौजूद है, 15 पुट कर दी मैंने, प्लस ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें आप 5। अच्छा, आप इस स्टेप पे ज़रा देखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ये ए और टी दो अल्फ़ाबेट एक साथ लिखे हुए हैं और बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सी साइन होती है मल्टीप्लाई की, चाहे मैथ में हो चाहे फिज़िक्स में हो, आप याद रखें अगर दो अल्फ़ाबेट या दो नंबर बिल्कुल साथ लिखे हुए हैं, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो आपके मैथ के अकॉर्डिंग रूल में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर टी आपको कितना गिवन है, 6, मैंने मल्टीप्लाई लगा के टी की जगह पे क्या लिख दिया, 6। देखें ए की जगह पे 5, ए और टी के बीच में कुछ भी नहीं था तो मल्टीप्लाई, और टी की जगह पे मैंने लिख दिया 6। अब वी एफ इक्वल टू 15 ऐसी रहा आपके पास, प्लस 5 6 इस स्टेप में देखें 5 6 30। अब 30 और 15 के बीच में प्लस है, अब कभी भी ये गलती मत करिएगा कि पहले 15 में 5 को प्लस कर दें, ठीक है। अगर आपकी दो तीन साइन एक साथ मौजूद हैं तो याद रखें डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, अगर ये सब एक साथ मौजूद है तो पहले डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई, वो भी नहीं है तो फिर प्लस, फिर इसमें पहले मल्टीप्लाई मौजूद था तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, दैन फिर आप प्लस करेंगे। अब 15 में 30 प्लस कर 15 + 30 45।
तो वी एफ की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 45, और एस्केलेशन ये वेलोसिटी है आपकी फाइनल, और वेलोसिटी के साथ क्या यूनिट होता है एम एस माइनस वन, या तो आप स्लैश लगा के एस लिख दें या एम एस माइनस वन। ये जो मैंने यूनिट लगाया आंसर में, बस ये आपका आंसर हो गया। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने को कही थी सवाल में, आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम कर ली। आपको आंसर में यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है नंबर के साथ, और डेटा में भी हर वैल्यू के साथ यूनिट है, ठीक है, लाजमी। अब मैं आपको वर्बली एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ये क्वेश्चन एक साथ, तो अब मैं आपको एक बार वर्बली पूरा सवाल एक्सप्लेन कर दूँ एक साथ। देखें, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 515 मीटर पर सेकेंड। एक बस एक रोड पर मूव कर रही है इस वेलोसिटी के साथ, एंड इट एस्केलेरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वो एस्केलेरेट हो गए 5 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, अ फाइनल वेलोसिटी मालूम करें बस की आफ्टर 6 सेकंड के बाद। अब अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए पहचानना मुश्किल हो रहा है, तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि ये यूनिट आपको पता है वेलोसिटी के साथ होता है, ये आपको पता है एम एस माइनस टू है अगर, तो वो एस्केलेरेशन के साथ होता है, सेकंड्स किसके साथ होता है टाइम के साथ, ठीक है। बस इसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो जो गिवन है और जो जो आपसे पूछा है वो आप डेटा बनाते जाएँ। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी की विन थी, क्योंकि बोला है बस इज़ मूविंग, यानी एक बस रोड पे इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो जो स्टार्ट की वेलोसिटी होती है इनिशियल, उसे हम क्या नाम देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई। फिर आपके पास मौजूद है एस्केलेरेशन, वर्ड भी यूज़ किया उन्होंने एस्केलेरेट, नहीं भी है तो आप यूनिट से पहचान लें एम एस माइनस टू किसके साथ होता है, एस्केलेरेशन के साथ। देन फिर आपको आगे लाइन में बोला फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करें ऑफ दी बस आफ्टर 6 सेकंड के बाद। फिर इस स्टेप पे आने के बाद जब हम अपने न्यूमेरिकल का डेटा बना लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है हमारी तीनों इक्वेशंस में से जो आपको इस क्वेश्चन में लगती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो जो आपको गिवन है और जो जो टर्म्स आपसे पूछी हैं वो सब होनी चाहिए उस इक्वेशन में जो आप अपने सॉल्यूशन में लेकर जाएंगे। इस वजह से मैंने पहली वाली प्रेफर की, क्योंकि वी एफ मुझसे पूछा था, वी आई मुझे गिवन था, ए था मेरे पास और टी भी था। इसके बाद मैंने वी एफ मुझे मालूम करना था, वी एफ हमें मालूम करना था, तो वी एफ ऐसे ही रह गया। वी आई हमारा 15 था, 15 पुट कर दिया, प्लस ऐसे ही रहा, ए और टी के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ए की वैल्यू आपने पुट कर दी 5, टी की वैल्यू आपके पास 6 सेकंड थी, टाइम 6 पुट कर दी। इसके बाद 15 ऐसे ही रहा, प्लस 5 6 30, 30 में 15 प्लस किया 45, तो वी एफ का आपके पास आंसर आ गया 45 एम एस माइनस वन। बस ये आपका आंसर है, आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स में, बस आप इसको एक लाइन में शो कर दें द फाइनल वेलोसिटी इज़ 45 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, थैंक यू सो मच।